नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ। मैं भी ये ट्रेन अंदर से देख रहा था, वैसे तो मुझे जो नोट भेजी थी उसमें लिखा था, फिर भी मैंने पीयूष भाई को पूछकर कंफर्म किया कि भैया ये डब्बे सब भारत में बने हैं ना। तुमने कहा कि हमारे चेन्नई की रेलवे कोच की फैक्ट्री में ही बने हैं, संपूर्ण स्वदेशी निर्माण। मित्रों आनंद होता है इसके अंदर, जो यात्री यात्रा करेंगे उन सबको अनुभव आए कि भारत के अंदर एक बार ठान ले तो क्या नहीं कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो मेक इन इंडिया की कल्पना हम सब लोगों के सामने रखी वो बहुत अच्छे ढंग से और बहुत कर्मठ का साथ रेलवे ने चरितार्थ की है। मैं रेलवे की पूरी टीम को पीयूष भाई के नेतृत्व में जो काम कर रही है मन से बधाई देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि जो तेज गति से अब कतरा से बनिहाल का कनेक्शन रेलवे का बन रहा है, जिसके तेज गति से चेनाब ब्रिज अंजी ब्रिज पे काम चल रहा है, जिस प्रकार से अलग अलग टनल्स को जोड़ा जा रहा है, मैं समझता हूँ जल्द ही भारतीय रेल कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकजुट एक नेकलेस में पिरो देगी पूरे भारत को। और ये काम जो कई वर्षों से अटक जाता था, कभी कोई गलत गतिविधियां, कभी कोई आतंकवादी गतिविधियों से काम में नरमी गर्मी आती थी, अब आपके आशीर्वाद से आपके सानिध्य में ये काम तेज गति से बनकर अगले 2.5 वर्ष के अंदर ये कनेक्शन में जुड़ जाएगा। और पहली बार भारत के 75 वर्ष के इतिहास में 15 अगस्त 2022 के पहले भारतीय रेल कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सबका सपना है उसको जोड़ देगी। मुझे लगता है कि ये मेक इन इंडिया के बावजूद ये शायद दुनिया की किसी भी स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट जो ट्रेन है उससे शायद बेहतर होगी, उससे किसी भी प्रकार से कम नहीं होगी, सुविधाओं की दृष्टि से और क्वालिटी की दृष्टि से।